सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जब भी कोई वन पीस फैन गॉड वैली का नाम सुनता है या फिर उसके बारे में जरा भी सोचता है तो उसके दिमाग में कुछ इस टाइप के ख्याल आते हैं, जैसे कि रॉक्स पायरेट, सेलेस्टियल ड्रैगन का वहां पे इन्वॉल्व होना और दो लेजेंड्स का हाथ मिलाना। उस दिन गार्ब और रॉजर ने हाथ मिला करके रॉक्स पायरेट की कब्र खोद दी थी। क्या तुमने कभी सोचा है कोई गार्ब का ये हाल कर सकता है? ये देख के मालूम पड़ता है कि सामने वाली पार्टी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरा आइलैंड का नामो निशान ही मिटा दिया? आज के वीडियो में हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो आइलैंड कहाँ गया। कुछ लोग यहाँ पे ये बात जरूर बोलेंगे, वहाँ इतना ज्यादा घमासान फाइट हुआ कि वो आइलैंड ही तबाह हो गया, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं तुम्हें प्रूफ करके देता हूँ। याद है जब सेनगोकू गॉड वैली के बारे में बता रहा होता है तो वहां पे जब गार्ब को दिखाया जाता है जो कि पूरा खून से भरा हुआ था, यहाँ जरा गौर करना, फाइट जीतने के बाद भी गार्ब खड़ा था और पीछे मरीन्स ऑफिसर खुशियां मना रही थी। मतलब फाइट के बाद भी वो आइलैंड था पर अब नहीं है। तो फिर ये गया कहाँ? यहाँ पर दो चीजें निकल सकती है। फर्स्ट, वो आइलैंड आज भी एग्जिस्ट करता है पर उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस तरह से छिपा दिया है कि वहां पर जाने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। या फिर सेकंड, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस फाइट के बाद उसे बस्टर कॉल से उड़ा दिया होगा। पर उस आइलैंड में ऐसा क्या था? गॉड वैली एक ऐसी घाटी जहाँ पर गॉड्स हों और वन पीस के वर्ल्ड में गॉड सेलेस्टियल ड्रैगन को कहा जाता है। अब वन पीस के वर्ल्ड में एक्चुअल गॉड कोई और है, उस पे मैंने पहले से ही बात करके रखा है मेरे इस वाले वीडियो पे। बट ये वाला जो जगह है ना, वो सेलेस्टियल ड्रैगन का है और यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ ऐसे चीजों को कर रहे थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। हो सकता है ये लोग किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हो सकता है ये लोग किसी तरह का रिसर्च कर रहे हो जिसका राज अभी तक किसी को नहीं पता। पर एक बात हमें मालूम है, लिलिन ने काइडो को वो डेविल फ्रूट, जो कि काइडो का डेविल फ्रूट है, फिस फ्रूट, वो उसे गॉड वैली में ही दिया था। प्लस तुम्हें एक और बात तो मालूम ही होगा, काइडो का डेविल फ्रूट है रेयर मिथिकल ज़ोआन टाइप। तो यहाँ पर ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है कि वहाँ पर और भी ऐसे डेविल फ्रूट होंगे जो कि एक से एक पावर रखते होंगे। यहाँ एक और बात मैं बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि गॉड वैली रॉक्स पायरेट का अड्डा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉक्स पायरेट का अड्डा था आइलैंड बिहाइव और रॉक्स पायरेट जैसा क्रू अपने आइलैंड को छोड़ के दूसरे आइलैंड पे क्यों हमला करेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रॉक्स टी जेबेक के ड्रीम के ऊपर। वो क्या बनना चाहता था? किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, जिसके लिए उसको चाहिए पावर, प्लस उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बन पाएगा। और अगर वो फाइट वहां पर वो जीत जाता, गॉड वैली को वो कब्जा करने में कामयाब हो जाता, पहले से ही सेनगोकू ने बता दिया है सबसे ताकतवर पायरेट क्रू था, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती और उसके बाद उनका मकसद यही रहता, जाकर के वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करो और पूरे दुनिया पे राज करो, जिस चीज को रोका दो लेजेंड्स ने। अब देखो जो कुछ भी हुआ, सेनगोकू ने बताया कि गार्प ने गोल्डी रॉजर के साथ हाथ मिलाया था। अब देखो अगर रॉजर फाइट किया तो रॉजर अकेले फाइट नहीं किया था, रॉजर के साथ उसका क्रू पक्का आया होगा, वरना भाई लिलिन वो उस टाइम पे यंग थी, वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। जेबेक, काइडो को छोड़ो, काइडो तो सबसे वीकेस्ट मेंबर था, गोल्डन लायन सिक्की, ऐसे ऐसे स्ट्रांग कैरेक्टर रॉजर और गार्प अकेले हैंडल नहीं कर सकते, रॉजर का पूरा क्रू का हेल्प चाहिए ही, बिकॉज रॉजर का क्रू जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रैली जो खुद एक योंको लेवल कैरेक्टर है, गबान भाई ओडेन के साथ ना 3 दिन 3 रात लगातार फाइट किया था, तो उसका पावर तुम सोच सकते हो। और ऐसे ही यार स्ट्रांग क्रू मेंबर जो है रॉजर पायरेट्स में थे, प्लस गार्ब का आना भाई तबाही था। एक और बात मैं बता दूं, हमें कहीं पर भी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि गॉड वैली वाले फाइट में वाइट बियर्ड वहां पर था। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया गया है कि गॉड वैली में वाइट बियर्ड भी रॉक्स टी ज़ेबेक के साथ था।
हाँ नो डाउट रॉक्स पायरेट के साथ व्हाइट बियर्ड उसका राइट हैंड मैन था, उसके क्रू में वो ज्वाइन था, बट गॉड वैली वाले फाइट में वो था कि नहीं ये चीज का हमें अभी तक पता नहीं है, बिकॉज हम सभी को मालूम है व्हाइट बियर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। प्लस जिस हिसाब से उनका कैप्टन था रॉक्स डी ज़ेबैक, जिसका ड्रीम था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का, मुझे नहीं लगता कि रॉजर शायद उसको अकेला हरा पाता या फिर गार्प उसको अकेला हरा पाता, वो दोनों साथ में मिलके ही उसको हरा सकते थे, बिकॉज रॉक्स डी ज़ेबैक अब तक का वन पीस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। अब यार हम जरा आते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे। तुम सबको मालूम है वर्ल्ड गवर्नमेंट में भी दबदबा सेलेस्टियल ड्रैगन का चलता है, उन्हें गॉड माना जाता है, जिस हिसाब से उनकी हरकतें हैं वो किसी को भी पकड़ के अपना स्लेव बना लेते हैं, उनको जो मन करता है वो करते हैं, प्लस सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है, सबसे ज़्यादा पैसा भी उनके पास है, हर एक चीज़ उनके पास है। और गॉड वैली में वहाँ पर वो इन्वॉल्व थे, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ तो खुरापाती चीज़ कर ही रहे थे जिसका बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। फ्यूचर में शायद जब हमें काइडो का पास्ट दिखाया जाएगा तो शायद हो सकता है हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिले, पर सेलेस्टियल ड्रैगन ने जिस हिसाब से वहाँ पे हरकतें की थी ये काफ़ी ज़्यादा यार इशारा करती हैं कि ये जितना तुम लोग सोचते हो ना ये लोग जितने कमीने हैं ये उससे कहीं ज़्यादा कमीने हैं। और जब रॉक्स डी ज़ेबैक हारा, रॉक्स पायरेट का पतन हुआ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को हटाई दिया, हिस्ट्री से ही मिटा दिया। कुछ रीजंस ये हो सकते हैं, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका राज खुल जाए, बिकॉज रॉक्स पायरेट के जितने भी मेंबर्स थे कोई ना कोई तो यार भाग के निकला हुआ, जैसे लिलिन और काइडो जो है वहाँ से बच गए हैं, सिक्की भी वहाँ से निकला था, और अगर वो लोग इस चीज़ को नहीं मिटाते तो भाई कल को पूरे दुनिया को उनका राज पता चल सकता था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया पूरे आइलैंड को ही हटाना सही समझा। और ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट एक दो बार नहीं किया है, बहुत बार कर चुका है, बिकॉज जब भी उन्हें लगता है उनके वजूद को खतरा है, कोई हिस्ट्री से छेड़छाड़ कर रहा है, कोई हिस्ट्री को जानने का कोशिश कर रहा है, वो लोग उस चीज़ को मिटा देते हैं। अब देखो गोरोसे पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, गोरोसे के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, फिलहाल के लिए उतना समझो कि ये लोग जो बुढ़े हैं इन लोगों का काम ही रहता है भाई, कोई हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया उसको मिटा दो। और यही वो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि गॉड वैली के बारे में कोई बात नहीं करता, वहाँ पर क्या हुआ था, क्या चीज़ें चल रही थी, बस इतना बताया गया सेलेस्टियल ड्रैगन वहाँ पर इन्वॉल्व थे। और जब भी वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं मतलब तुम समझ लो हिस्ट्री के साथ पक्का कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होने वाला है। अभी ये लोग वानों के पीछे क्यों पड़े हैं? बिकॉज कोई आएगा जो आकर के वानों के गेट्स को ओपन करेगा। अब वानों के गेट्स को ओपन करेगा मतलब ये तुम मत समझना कि भाई वो बस दरवाजा खोल देगा, वानों में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसका बारे में अभी तक हमें नहीं पता। वहाँ पर दो दो पॉनिक्लिफ भी हैं, एक रोड पॉनिक्लिफ जो कहाँ पर है वानों में इसका पता किसी को नहीं है, काइडो को पता है, और एक पॉनिक्लिफ जो इन्फॉर्मेशन देता है, उस पॉनिक्लिफ में क्या लिखा हुआ है वो तो रॉबिन पढ़ेगी तभी पता चलेगा। इसके अलावा हो सकता है और भी कई सारे राज छिपे हों, और इन सभी राज को जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट पक्का छिपाना चाहेगी। इतने साल से वानों अपने गेट्स को बंद करके रखी थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट को कभी खतरा नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, पर अभी जिस हिसाब से चल रहा है उनको खतरा नजर आ रहा है, इस वजह से वो लोग पहली बात तो निको रॉबिन को पकड़ना चाहते हैं, सेकंड फिलहाल जिस तरह से लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग हुआ है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा निकल के आता है, बिकॉज हम सबको मालूम है उसका डेविल फ्रूट का नेम क्या है और मॉडल क्या है। खैर जो कुछ भी हो ये तो था मेरा मानना, अब तुम लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरा अपनी राय देना मत भूलना, तुम लोग अपना यार थ्योरी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो सब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। साथ ही साथ अगर तुम्हारा कुछ भी सवाल रहेगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो DM करके पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है गोरोसे पे होगा, तो गोरोसे वाले वीडियो के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम लोग जरा अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ इस चैनल पे अगर तुम नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा यार। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।